फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं, नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज राजपूत से कि क्या जानकारी मिल रही है यहाँ पर वीवीआईपीज के लिए जो समय रखा गया था 4 से 4:15 बजे का यही रीतलेइंग के लिए, तो कुछ खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कब तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं नीरज? देखिए जो डिग्निट्रीज के आने का समय है वो 4:30 बजे तक का है कि रीतलिंग जो है 4:15 बजे तक ये माना जा रहा है कि खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है 4:15 से 4:30 बजे तक जो भी रिचुअल्स अगर परिवार करना चाहता है अपने धर्म के अनुसार करना चाहता है, जो कि एक क्योंकि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो मिलिट्री ऑनर दिया जा रहा है उनको कि जो मिलिट्री जो सेना की तरफ से जो उनके लिए जो जितनी भी उनका ऑनर सम्मान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एक अपने कमांडर के तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन अगर परिवार चाहता है क्योंकि उनकी दो पुत्रियाँ भी हैं उनके दामाद भी हैं उनके परिवार में हमने देखा कि मिसेज मधुलिका रावत के जो भाई भी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो वो अगर कोई अपना अपने अपना जो रीति रिवाज के अनुसार कोई अगर अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो होता है जब अंतिम संस्कार होता है तो वो कर सकते हैं और 4:30 पर जो है जो जानकारी मिली है वो उनको अंतिम सैया पर लिटा दिया जाएगा और 4:45 मिनट पर जो है बिल्कुल ये तस्वीरें भी हमें नीरज मिलने लगी हैं, दिखा देते हैं हम बता देते हैं। किरण रिजिजू हमें दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री, उनके साथ राजवर्धन राठौर हमें दिखाई दे रहे हैं, पुराने साथी उनके रहे हैं जनरल बिपिन रावत और श्रद्धांजलि देने के लिए भी सुबह पहुंचे थे राजवर्धन राठौर और अब यहां पर अंतिम क्रिया के लिए जब ये पूरा सफ़र ख़त्म हुआ CDS बिपिन रावत का वहां पर भी ये मौजूद हैं। और जैसा कि अभी रोमाना तस्वीरों का जिक्र कर रही थी कि जो लीडर ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी और उनकी माता जी यहां पर मौजूद हैं, तो नीरज राजपूत इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि रक्षा सलाहकार थे CDS बिपिन रावत के ब्रिगेडियर लीडर, ऐसे में पारिवारिक संबंध भी होते हैं, आज खुद उस दुख में रहकर भी उनकी पत्नी यहां पर पहुंची हैं। यह उनके जो परिवार है उनको और इसके साथ ही जो हमारे तो राजवर्धन राठौर आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं इस समय श्रद्धांजलि देते हुए जी। रीतलिंग सेरेमनी इस समय चल रही है। नीरज राजपूत जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गीतिका लीडर जो कि पत्नी है ब्रिगेडियर लीडर की, रक्षा सलाहकार थे वो CDS बिपिन रावत के, पारिवारिक संबंध होते हैं, आज दुखों का संकट उनके ऊपर भी टूटा है लेकिन उसके बाद भी साहस बटोर कर वो यहाँ पर आई है ये भी सराहनीय है और यही शायद सेना के परिवारों की खूबसूरती है कि संयम रख के धैर्य रख के हर आने वाले संकट को हर परेशानी को वो मिलजुल कर झेलते हैं और फिर देश की सुरक्षा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा शोभना कि जो भी सैनिक होता है जो मोर्चे पर जाता है लड़ने के लिए, सीमा पर जाता है, बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाता है, जो उनका परिवार होता है वो भी उसके पीछे एक फोर्स की तरह खड़ा रहता है, उसके पीछे एक शक्ति की तरह पावर की तरह खड़ा रहता है हमेशा, क्योंकि जो सैनिक है अगर उसको अपने परिवार के लिए भी हमेशा चिंता रहती है जब वो अपना दूर रहता है कहीं पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब फ्रंट पे जाते हैं ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ परिवार को ले जाने की इजाज़त नहीं होती, पीस एरियाज में जब वो आते हैं दिल्ली आते हैं या किसी और जगह पे तब अपने परिवार के साथ रहते हैं, नहीं तो वो उनको अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में जो किसी भी सैनिक की पत्नी जैसे हम लोग देख रहे हैं ब्रिगेडियर लीडर की जो पत्नी हमने मैंने कल भी देखा उनको एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर आया था ब्रिगेडियर लीडर और बाकी सभी सैनिकों का और CDS का, उस वक्त भी वहाँ मौजूद थी, उनकी बेटी जरूर भावुक हुई लेकिन जो पत्नी है उनकी जो ब्रिगेडियर लीडर की एकदम मजबूत लेडी की तरह वो खड़ी हुई थी। आज सुबह भी हमने देखा जब ब्रार स्क्वायर में जब उनके पति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जो पारिवारिक संबंध, अभी 27 नवंबर को ही जो ब्रिगेडियर लीडर की जो बेटी है आशिना लीडर जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, अभी 15-16 साल की उम्र है उनकी, टीनेजर ही है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी म्यूजिंग्स के लिए कि किस तरह से जो एक बेटी है वो सर्च कर रही है, अपने टाइटल सर्च कर रही है, उसकी बुक का टाइटल भी वही था इन द सर्च ऑफ ए टाइटल, कि सेना के उनके पिता जो हैं वो कहीं आर्मी ऑपरेशंस में गए हुए हैं तो उस बीच में एक बेटी के ऊपर क्या गुजरती है, बेटी किस तरह से रहती है अपने पिता के बिना, पिता के साथ कैसा लगाव होता है, उस बुक का जो विमोचन था वो खुद मधुलिका रावत ने किया था, जो CDS की जो पत्नी है जिनका अभी अंतिम संस्कार होने जा रहा है तो उन्होंने ही विमोचन किया था, किरण बेदी जो जानी मानी IPS ऑफिसर रह चुकी है वो उन दोनों ने मिलकर किया था, तो ये संबंध थे दोनों परिवारों के बीच में और इसी वजह से हम लोग देख रहे थे कि इस साल जनवरी से यानी कि करीब करीब 1 साल होने को आ गया था, इस साल जनवरी के महीने से ब्रिगेडियर लीडर जो थे वो उनके डिफेंस एडवाइजर थे यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत के एडवाइजर थे और उनको बहुत अच्छे से उन पर विश्वास रखते थे वो, इसलिए क्योंकि ब्रिगेडियर लीडर खुद जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक थे, ऑफिसर थे वो,
जैकरिफ के, और उसके साथ साथ उनको जो चीन सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर तैनाती का बहुत लंबा अनुभव था। उन्होंने अपनी जो बटालियन थी वहीं कमांड की थी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, यानी कि चीन सीमा पर की थी। कजाकिस्तान के डीए रह चुके थे, डीजीएम और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आर्मी हेडक्वार्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है ऑपरेशंस करने के लिए सेना का, उसमें वो डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके थे। तो और कांगो में उन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी हिस्सा लिया था, तो उसके लिए ही बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उन पर एडवाइज़र के तौर पर वो देखते थे। तो पारिवारिक संबंध भी दोनों के ही थे, और जैसे कि हमें जानकारी मिली कि जब ब्रिगेडियर लीडर जब कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कभी उन्होंने काम किया था, तो उस वक्त जनरल रावत भी उस वक्त वहीं पर तैनात थे, उनके अंडर में ही शायद काम किया था। तो ये संबंध दोनों के दो बीच में थे, तो वो पारिवारिक संबंध भी कन्वर्ट हो चुके थे, बदल चुके थे। और यही वजह है कि जब हम देख रहे हैं कि जिस महिला के पति जो खुद ब्रिगेडियर लीडर जिनका अंतिम संस्कार आज सुबह हुआ है, वो खुद यहाँ पे एक बार फिर से पहुंची हैं बरारी स्क्वायर में, जो सीडीए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार के लिए। जैसे कि आप बता रही हैं कि वो अंदर ही बैठी हुई हैं, वो ये दिखाता है कि किस तरह के संबंध जो थे दोनों परिवार में थे, सीडीए जनरल बिपिन रावत के बीच में और ब्रिगेडियर लीडर के परिवार में। बिल्कुल नीरज, आप रहिए हमारे साथ। वाकई में ये तस्वीरें, क्या कहा जाए इन तस्वीरों को देखकर। फिलहाल आप देख सकते हैं सैन्य अधिकारी बात करते हुए जनरल बिपिन रावत की बेटियों, उनके दामाद से। और ये जो तस्वीरें हैं वो अभूतपूर्व इस लिहाज से हैं कि इससे पहले देश पर इस तरीके का गमों का पहाड़ टूटा नहीं। पहली बार कोई सिटिंग जनरल जिसको यूं अंतिम विदाई देश में दी जा रही है, और आपको इसके महत्व को इसी रूप में समझना होगा कि 12 बड़े सैन्य अधिकारी जिनकी पूरी देखरेख में इस अंतिम विदाई को अंजाम दिया जा रहा है। 6 बड़े अधिकारी जो तिरंगा लेकर चलेंगे फ्लैग बेयरर्स के तौर पर, 2 अधिकारी तीनों सेनाओं से इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से नीरज राजपूत लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि 17 तोपों की यहां पर सलामी दी जाएगी, और वो सैन्य धुने जिसमें लास्ट पोस्ट और राउज है, इन्हीं सैन्य धुनों पर अंतिम विदाई अनंत सफर पर निकल जाएंगे जनरल बिपिन रावत। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नीरज राजपूत के पास। नीरज, बिल्कुल, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, काफिला पहुंच गया है जिसका इंतजार था। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार था, वो यहाँ पर पहुंचे हैं सीडीए जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए, और उनके साथ शायद उत्तराखंड के सीएम भी हैं पुष्कर धामी, ऐसे लगा मेरे को देखा गाड़ी में मैंने, शायद दोनों ही बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और शायद उत्तराखंड के सीएम भी हैं, वो दोनों ही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच गए, और इसके अलावा जी बिल्कुल पहुँच गए, 4:15 का टाइम, जो बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुँचे, क्योंकि 4:15 तक का समय था कि जो डिग्नेटरीज हैं वो अपना यहाँ पर रीत लिंग कर सकते हैं, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं इस टाइम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के इस शमशान भूमि में, यानी क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और वो जो रीत लेइंग के बाद वो जो प्रक्रिया है, जो मिलिट्री ऑनर जो है वो बिल्कुल लगभग खत्म हो जाएगा मिलिट्री ऑनर, क्योंकि सबसे बड़े जो पॉलिटिकल लीडर अगर हम मानते हैं सेना के, तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो उनकी इस रीत लेइंग के बाद ऐसा लगता है कि फिर जो समय भी हो चुका है, जो हमें सेना की तरफ से समय दिया गया था, समय के पावन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिल्कुल 4:15 4:10 पर पहुंच चुके हैं, 5 मिनट का समय। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीरज लगातार। एक और काफिला जी, एक और काफिला, एक और कोई वीआईपी आए हैं, एक और वीआईपी कोई आए हैं जी, ये बिल्कुल एक और काफिला आ रहा है यहाँ पर, जिनके साथ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट है, काफी बड़ा सिक्योरिटी एस्कॉर्ट पहुंचा है यहाँ पर, देखते हैं ये किसका है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंदर पहुंच चुके हैं, वो अंतिम विदाई के लिए अपने सीडीएस, क्योंकि रक्षा मंत्री के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी काम करते थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत सरकार के, और साथ ही रक्षा मंत्री के, तो वो यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं रीतलिंग के लिए आगे बढ़ते हुए जी। और सीडीएस, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने बताया, एनएसए अजीत डोवाल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर, उन्हीं का काफिला है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, अजीत डोवाल का, बहुत खास एकदम विश्वास रखते थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस पर, और खुद एनएसए
जो अजीत डोवाल हैं वो भी बहुत उनसे हर चीज़ में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर, क्योंकि CDS का रोल जो बताया गया था सरकार की तरफ से जब बनाई गई थी पोस्ट कि वो सरकार के मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर काम करेंगे, वन पॉइंट पर्सन होंगे जो तीनों सेनाओं के बारे में जो जितनी भी एडवाइस देनी होगी सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, NSA हो, वो उनसे लेंगे, CDS से लेंगे। तो CDS जनरल बिपिन रावत अपने पिछले दो साल में, करीब दो साल हो जाते हैं उनको अभी इस दिसंबर में, 30 दिसंबर को पूरे दो साल होने वाले थे जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता, हालांकि 65 साल की उम्र तक का टेन्योर है किसी भी CDS का, तो वो अभी और समय रह सकते थे, लेकिन दो साल अब कंप्लीट होने वाले थे। इन पिछले दो सालों में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो राष्ट्रीय रक्षा नीति है उसमें किस तरह से बदलाव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। और ये रजत जी, आप देखिए कि हमेशा CDS बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री को सैल्यूट किया होगा, लेकिन आज इस शहीद को रक्षा मंत्री सैल्यूट कर रहे हैं और ये अंतिम विदाई दी जा रही है। जी बिल्कुल शोभना, ये तो समय का चक्र है कि कल तक जो जिसको सैल्यूट कर रहा था आज उसको दूसरे को सैल्यूट करना पड़ रहा है, मगर आप ये देखिए कि जनरल साहब अब है नहीं, उनका सिर्फ पार्थिव शरीर बचा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा दुख क्या घड़ी। और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री भी एक तरह से वो महसूस कर रहे हैं, वो खालीपन उनके उसमें दिख रहा है मेरे को बिल्कुल। और हमने जब CCS की बैठक की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी तो प्रधानमंत्री का चेहरा उतरा हुआ, NSA अजीत डोवाल, गृह मंत्री अमित शाह, और आज वो उदासी रक्षा मंत्री के चेहरे पर देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने, तो ये आपने देखा किस अंदाज में सलामी दी गई, रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से पुष्पांजलि दी गई, उसके बाद मौन और फिर वो बिगुल के साथ समापन उस सलामी का।
और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब देख रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, नमन करते हुए पुष्कर सिंह धामी। और पीछे इंतजार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और ये तमाम लोग आज सुबह कामराज मार्ग, जहां पर आवास सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वहां पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था, वहां पर भी पहुंचे थे। और अब एक बार फिर बराड स्क्वायर, और अब जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहां से अब सेना की तरफ से जो पार्थिव शरीर हैं वो परिवार को सौंपने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। मेरे ख्याल से उसके बारे में अब बेहतर तरीके से विंग कमांडर हमें बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद मार्मिक तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेटियों को, बाकी रिश्तेदारों को जनरल बिपिन रावत के साहस और धैर्य का परिचय लगातार इन लोगों की तरफ से दिया गया। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हृदय विदारक, और हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, रीत लेंग जो है उसका समापन और अब इसके साथ ही प्रक्रिया शुरू होगी परिवार को पार्थिव शरीर सौंपने की, नीरज राजपूत? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। लेकिन सब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके समय चाहूंगा, यहां पर जो परिवार पहुंचा है ये पहुंचा है अब्दुल हमीद का, वीर अब्दुल हमीद का परिवार, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उनके पोते यहाँ पर पहुंचे, गाजीपुर में रहते हैं ये, और गाजीपुर से ये परिवार यहाँ पर पहुंचा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से लोग, एक वीर का परिवार जो बिल्कुल है। बिल्कुल नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, ये बेहद भावुक तस्वीरें, बेटियां दोनों खड़ी हुई हैं, और मुझे लग रहा है शायद ये वो पल है कि आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं सकते हैं, और बेटियां भावुक होते हुए दामाद भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अब ये वक्त आ गया है जब ये पार्थिव शरीर जो है वो परिवार को सौंपा जाएगा, उनके अपने रिचुअल्स शुरू होंगे, हिंदू विधि के अनुकूल तरीके से ये पूरा अंतिम संस्कार का जो काम है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बेटियां गले मिलते हुए, और बहुत ही माता पिता का साया एक साथ उठ जाना, इससे बड़ा संकट मुझे लगता है बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर नहीं आ सकता है। पिता जाते हैं तो माँ होती है संभालने के लिए, माँ का कंधा होता है, माँ जाती है तो पिता का कंधा होता है सांत्वना देने के लिए, लेकिन अगर माता पिता दोनों ही एक साथ विदाई ले लें तो शायद संतान के लिए इससे मुश्किल वक्त, इससे दुखद पल हो नहीं सकता। और शायद यही जो दुख है ये बेटियों के चेहरे पर साफ देखा भी जा सकता है। हालांकि मैं रोमाना और मैं दोनों बैठे हुए हैं और मतलब बहुत भावुक हो रहे हैं रोमाना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माता पिता का एक साथ जाना, इससे बड़ा संकट नहीं आ सकता संतान के जीवन में। तस्वीरें देखिए, ये अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं और अब यहाँ से अनंत सफ़र। और इस बीच देखिए ज़रा किस तरीके से परिवार को, बेटियों को ढांढस बंधाते हुए, और जिस बात का जिक्र नीरज राजपूत कर रहे थे, नीरज आप बता रहे थे कि वीर अब्दुल हमीद के पोते हैं शायद ये जो पहुंचे हैं यहाँ पर, ज़रा और जानकारी दीजिए। आप बिल्कुल, हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से लोग जो हैं पूरे देश से पहुँच रहे थे, और जो परिवार अभी मेरे साथ था। जी बिल्कुल, ये दोनों बेटियों को हम देख पा रहे हैं, और अब सेना के अधिकारी उनको कहते हुए साइड में, अब परिवार के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ आकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अब जो सेना की तरफ से प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और मुझे लगता है जो पूजा अर्चना का जो काम होता है, पंडित बैठ गए हैं रोमाना, और जो मंत्रोच्चारण होता है, जो अंतिम विदाई से पहले जो रिचुअल्स होते हैं जो बेटी के द्वारा, बड़ी बेटी के द्वारा किए जाएंगे, और ये देखिए वो सब शुरू होते हुए दोनों बेटियां पहुंच गई हैं। तमाम जो रिश्तेदार हैं, अब सेना के जो अधिकारी हैं वो दूर हट गए हैं, और अब ये वक्त है परिवार का अंतिम विदाई देने का, अपने पिता को, अपने भाई को, जो भी नाते रिश्तेदार यहां पर आए हैं। तो ये बड़ी बेटी सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दोनों बेटियाँ बैठ गई हैं, और जो हिंदू रीति रिवाज से जो रिचुअल्स होने होते हैं, जो पूजा पाठ होनी होती है, वो सब अब शुरू हो चुका है, परिवार को सौंप दिया गया है। सभी जो रिश्तेदार हैं वो आसपास, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वो जो रिचुअल्स हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो शुरू हो गए हैं।
और इन तस्वीरों को देखकर अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुखाग्नि जो है वो बेटियों की तरफ से ही दी जाएगी। ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। दोनों बेटियां इस वक्त बैठी हुई, सूर्यास्त से पहले क्योंकि मुखाग्नि दी जाती है, इसीलिए अब ये सब जो रीति रिवाज हैं वो पूरे किए गए।
ब्लॉक नहीं करते, रास्ता ब्लॉक नहीं करते। ABP News, आपको रखे आगे।